वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मेरी माँ कहाँ, कृष्णा सोपती। दिन के बाद उसने चांद सितारे देखे हैं। अब तक वह कहाँ था? नीचे, नीचे, शायद बहुत नीचे, जहाँ की खाई ही नसान के खून से भर गई थी, जहाँ उसके हाथ की सफाई बेशुमार गोलियों की बौछार कर रही थी। लेकिन लेकिन वह नीचे न था, वह तो अपने नए वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। वतन के आगे कोई सवाल नहीं, अपना कोई ख्याल नहीं। तो चार दिन से वह कहाँ था, कहाँ नहीं था? वह गुजरांवाला, वजीराबाद, लाहौर, वह और मीलों चीरती हुई ट्रक, कितना घूमा है वह, यह सब किसके लिए? वतन के लिए, कौम के लिए, और अपने लिए? नहीं, उसे अपने से इतनी मोहब्बत नहीं। क्या लंबी सड़क पर खड़े खड़े यूनुस खां दूर दूर गांव में आग की लपटें देख रहा है? चीखों की आवाज उसके लिए नई नहीं, आग लगने पर चिल्लाने में कोई नयापन नहीं। उसने आग देखी है, आग में जलते बच्चे देखे हैं, औरतें और मर्द देखे हैं, रात रात भर जलकर सुबह खाक हो गए मोहल्लों में जले लोग देखे हैं। वह देखकर घबराता थोड़े ही है। घबराए क्यों? आज़ादी बिना खून के नहीं मिलती, क्रांति बिना खून के नहीं आती, और इसी क्रांति से तो उसका नन्हा सा मुल्क पैदा हुआ है। ठीक है, रात दिन सब एक हो गए, उसकी आंखें उमींदी हैं, लेकिन उसे तो लाहौर पहुंचना है, बिल्कुल ठीक मौके पर। एक भी काफिर जिंदा न रहने पाए। इस हल्की सर्द रात में भी काफिर की बात सोचकर बलोच जवान की आंखें खून मारने लगी। अचानक जैसे टूटा हुआ क्रम फिर जुड़ गया है। ट्रक फिर चल पड़ी है, तेज रफ्तार से, सड़क के किनारे किनारे मौत की गोदी में सिमटे हुए गांव, लहलहाते खेतों के आसपास लाशों के ढेर, कभी कभी दूर से आती हुई अल्लाहो अकबर और हर हर महादेव की आवाजें, हाय हाय, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। यूनुस खां यह सब सुन रहा है, बिल्कुल चुप चाप, इससे कोई सरोकार नहीं उसे। वह तो देख रहा है अपनी आंखों से एक नई मुगलिया सल्तनत, शानदार, पहले से कहीं ज्यादा बुलंद। चांद नीचे उतरता जा रहा है, दूध सी चांदनी नीली पड़ गई है, शायद पृथ्वी का रक्त ऊपर विष बनकर फैल गया है। देखो, जरा ठहरो, यूनुस खां का हाथ ब्रेक पर है। यह क्या? एक नन्ही सी छोछाया छाया, नहीं, रक्त से भीगी सलवार में मूर्छित पड़ी एक बच्ची। बलोच नीचे उतरता है, जख्मी है शायद, मगर वह रुका क्यों? लाशों के लिए कब रुका है वह? पर यह एक घायल लड़की, उससे क्या? उसने ढेरों के ढेर देखे हैं औरतों के, मगर नहीं, वह उसे जरूर उठा लेगा, अगर बच सकी तो। तो वह ऐसा क्यों कर रहा है, यूनुस खां खुद नहीं समझ पा रहा, लेकिन अब इसे वह न छोड़ सकेगा। काफिर है तो क्या, बड़े बड़े मजबूत हाथों में बेहोश लड़की। यूनुस खां उसे एक सीट पर लिटाता है। बच्ची की आंखें बंद हैं, सिर के काले घने बाल शायद गीले हैं खून से, और चेहरे पर, पीले चेहरे पर रक्त के छींटे। यूनुस खां की उंगलियां बच्ची के बालों में हैं और बालों का रक्त उसके हाथों में, शायद सहलाने के प्रयत्न में। पर नहीं, यूनुस खां इतना भावुक कभी नहीं था, इतना रहम, इतनी दया उसके हाथों में कहां से उतर आई है वह खुद नहीं जानता। मूर्छित बच्ची ही क्या जानती है कि जिन हाथों ने उसके भाई को मारकर उस पर प्रहार किया था, उन्हीं के सहधर्मी हाथ उसे सहला रहे हैं। यूनुस खां के हाथों में बच्ची और उसकी हिंसक आंखें नहीं, उसकी आर्द्र आंखें देखती हैं दूर कोयते में एक सर्द, बिल्कुल सर्द शाम में उसके हाथों में 12 साल की खूबसूरत बहन नूरन का जिस्म, जिसे छोड़कर उसकी बेवा अम्मी ने आंखें मूंद ली थी। सनसनाती हवा में कब्रिस्तान में उसकी फूल सी बहन मौत के दामन में हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से बेखबर, और उस पुरानी याद में कांपता हुआ यूनुस खां का दिल दिमाग आज उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह उसके हाथों में। मगर कहाँ है वह यूनुस खां जो कत्लेआम को दीन और ईमान समझकर चार दिन से खून की होती खेलता रहा है? कहाँ है, कहाँ है? यूनुस खां महसूस कर रहा है कि वह हिल रहा है, वह डोल रहा है, वह कब तक सोचता जाएगा? उसे चलना चाहिए, बच्ची के जख्म, और फिर एक बार फिर थपथपाकर आदर से, भीगी भीगी ममता से बच्ची को लिटा यूनुस खां सैनिक की तेजी से ट्रक स्टार्ट करता है। अचानक सूझ जाने वाले कर्तव्य की पुकार में उसे पहले चल देना चाहिए था, हो सकता है यह बच्ची बच जाए। उसके जख्मों की मरहम पट्टी, तेज तेज और तेज ट्रक भागी जा रही है। दिमाग सोच रहा है वह क्या है, इसी एक के लिए क्यों? हजारों मर चुके हैं, यह तो लेने का देना है, वतन की लड़ाई जो है। दिल की आवाज है, चुप रहो, इन मासूम बच्चों की, इन कुर्बानियों का आज़ादी के खून से क्या ताल्लुक? और नन्ही बच्ची बेहोश बेखबर लाहौर आने वाला है। यह सड़क के साथ साथ बिछी हुई रेल की पटरियां, शाहदरा और अब ट्रक लाहौर की सड़कों पर है, कहां ले जाएगा वह? मेयो हॉस्पिटल या सर गंगाराम? गंगाराम क्यों?
यूनुस खां चौंकता है। वह क्या उसे लौटाने जा रहा है? नहीं नहीं, उसे अपने पास रखेगा। ट्रक मेयो हॉस्पिटल के सामने जा रुकती है और कुछ क्षण बाद बलोच चिंता के स्वर में डॉक्टर से कह रहा है, डॉक्टर जैसे भी हो ठीक कर दो, इसे सही सलामत चाहता हूँ मैं। और फिर उत्तेजित होकर, डॉक्टर डॉक्टर, उसकी आवाज सहत नहीं रहती। हाँ हाँ, पूरी कोशिश करेंगे इसे ठीक करने की, बच्ची हॉस्पिटल में पड़ी है। यूनुस खां अपनी ड्यूटी पर है मगर कुछ अन्ना सा हैरान फिक्रमंद पेट्रोल कर रहा है। लाहौर की बड़ी बड़ी सड़कों पर कहीं कहीं रात की लगी हुई आग से धुआं निकल रहा है। कभी कभी डरे हुए सहमे हुए लोगों की टोलियां कुछ फौजियों के साथ नजर आती हैं। कहीं यूं सके अपने साथी शहीदों के टोलों को इशारा करके हंस रहे हैं। कहीं कूड़ा करकट की तरह आदमियों की लाशें पड़ी हैं। कहीं उजाड़ पड़ी सड़कों पर नंगी औरतें बीच बीच में नारे नारे और ऊंचे। और यूनुस खां जिसके हाथ कल तक खूब चल रहे थे आज शिथिल हैं। शाम को लौटते हुए जल्दी जल्दी कदम भरता है। वह अस्पताल नहीं जैसे घर जा रहा है। एक अपरिचित बच्ची के लिए क्यों घबराहट है उसे? वह लड़की मुसलमान नहीं, हिंदू है, हिंदू है। दरवाजे से पलंग तक जाना उसे दूर, बहुत दूर जाना लग रहा है। लंबे लंबे डग, लोहे के पलंग पर बच्ची लेटी है, सफेद पट्टियों से बंधा सिर। किसी भयानक दृश्य की कल्पना से आंखें अब भी बंद हैं। सुंदर से भोले मुख पर डर की भयावनी छाया। यूनुस खां कैसे बुलाए क्या कहे। नूरन नाम ऊँटों पर आके रुकता है, हाथ आगे बढ़ते हैं। छोटे से घायल सिर का स्पर्श जिस कोमलता से उसकी उंगलियां छू रही हैं उतनी ही भारी आवाज उसके गले में रुक गई है। अचानक बच्ची हिलती है, आहत से स्वर में जैसे बेहोशी में बड़बड़ाती है, कैंप 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 आ गया, भागो भागो भागो, कुछ नहीं कुछ नहीं, देखो आंखें खोलो, आग आग, वह गोली, मिलिट्री। बच्ची उसे पास झुके देखती है और चीख मारती है, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, इसे अच्छा कर दो। डॉक्टर अनुभवी आंखों से देखकर कहता है, तुमसे डरती है, यह काफिर है, इसीलिए काफिर। यूनुस खां के कान झंझना रहे हैं, काफिर काफिर, क्यों बचाया जाए इसे, काफिर, कुछ नहीं, मैं इसे अपने पास रखूंगा। इसी तरह बीत गई वे खूनी रातें। यूनुस खां विचलित सा अपनी ड्यूटी पर और बच्ची हॉस्पिटल में। एक दिन बच्ची अच्छी होने को आई, यूनुस खां आज उसे ले जाएगा। ड्यूटी से लौटने के बाद वह उस वार्ड में आ खड़ा हुआ। बच्ची बड़ी बड़ी आंखों से देखती है, उसकी आंखों में डर है, घृणा है और आशंका है। यूनुस खां बच्ची का सिर सहलाता है, बच्ची कांप जाती है, उसे लगता है कि हाथ गला दबोच देंगे। बच्ची सहमकर पलके मूंद लेती है, कुछ समझ नहीं पाती कहाँ है वह और यह बलोच, वह भयानक रात और उसका भाई। एक झटके के साथ उसे याद आता है कि भाई की गर्दन गनड़ासे से दूर जा पड़ी थी। यूनुस खां देखता है और धीमे से कहता है, अच्छी हूं ना, अब घर चलेंगे। बच्ची कांप कर सिर हिलाती है, नहीं नहीं, घर घर कहाँ है, मुझे तुम मार डालोगे। यूनुस खां देखना चाहता था नूरन, लेकिन यह नूरन नहीं, कोई अनजान है जो उसे देखते ही भय से सिकुड़ जाती है। बच्ची सहमी सी रुक रुक कर कहती है, घर नहीं, मुझे कैंप में भेज दो, यहाँ मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे। यूनुस खां की पलकें झुक जाती हैं, उनके नीचे सैनिक की क्रूरता नहीं, बल नहीं, अधिकार नहीं, उनके नीचे है एक असह्य भाव, एक विवशता, बेबसी। बलोच करुणा से बच्ची को देखता है, कौन बचा होगा इसका, वह इसे पास रखेगा। बलोच किसी अनजान स्नेह में भीगा जा रहा है। बच्ची को एक बार मुस्कराते हुए थपथपाता है, चलो चलो कोई फिक्र नहीं, हम तुम्हारा अपना है। ट्रक में यूनुस खां के साथ बैठकर बच्ची सोचती है, बलोच कहीं अकेले में जाकर उसे जरूर मार देने वाला है, गोली से, छुरे से। बच्ची बलोच का हाथ पकड़ लेती है, खान मुझे मत मारना, मारना मत। उसका सफेद पड़ा चेहरा बता रहा है कि वह डर रही है। खान बच्ची के सिर पर हाथ रखे कहता है, नहीं नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, तुम हमारा सगा के माफिक है। एकाएक लड़की पहले खान का मुंह नोचने लगती है, फिर रो रो कर कहती है, मुझे कैंप में छोड़ दो मुझे। खान ने हमदर्दी से समझाया, सब्र करो, रो नहीं, तुम हमारा बच्चा बन के रहेगा हमारे पास। नहीं, लड़की खान की छाती पर मुठियां मारने लगी, तुम मुसलमान हो तुम। एकाएक लड़की नफरत से चीखने लगी, मेरी माँ कहाँ है, मेरे भाई कहाँ हैं, मेरी बहन कहाँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।